नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। काठमांडू से नई दिल्ली की अदावत खत्म होने के बजाय अब और तलख हो गई है। पिछले दो हफ्ते शांत रहने के बाद ओली के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। नेपाल ने भारत के सामने अब गोरखा सैनिकों का मामला उठा दिया है। ग्यावली ने कहा कि गोरखा सैनिकों को लेकर समझौता अब काफी पुराना हो चुका है। नेपाल अभी इसकी समीक्षा करने जा रहा है और भारत को भी इस मामले में नेपाल से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि 1947 में हुआ यह समझौता अब बहुत पुराना हो चुका है। यह एक तरह से पूरी तरह प्रभावहीन हो गया है। नेपाल की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त आया है जब उसके बार बार गिड़गिड़ाने पर भी भारत उससे कोई बातचीत नहीं करना चाहता है। इसे भी चीन की चाल के तौर पर ही देखा जा रहा है। नेपाल किसी न किसी विवाद को खड़ा करके भारत को बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है। ऐसे में उसने गोरखा सैनिकों के मुद्दे के रूप में भारत की कमजोर नस को दबाने की कोशिश की है। नेपाल समझता है इससे भारत सरकार के ऊपर दबाव बढ़ सकता है और इस बहाने उसे वार्ता की मेज पर बिठाया जा सकता है। दरअसल नेपाल ने जिस गोरखा समझौते के रूप में जो नया विवाद खड़ा किया है वह 1947 में भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुआ था। इस समझौते के मुताबिक गोरखा सैनिकों के भत्ते, पेंशन, वेतन और दूसरी सुविधाएं ब्रिटेन और भारतीय सेना के समान होने की शर्त थी, परंतु भारतीय सेना में सेवा दे चुके गोरखा सैनिक इस समझौते को भेदभावपूर्ण वाला बताते रहे हैं। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से अप्रैल 1815 में जुड़ी थी। तब से आज तक कई लड़ाइयों में इंडियन आर्मी के साथ मजबूती से साथ निभाती आ रही है। नेपाल के अलावा ब्रिटेन और भारत की सेना में गोरखा रेजिमेंट मौजूद है। भारत में गोरखा रेजिमेंट ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात रहती है। गोरखा सैनिकों के लिए नेपाल में भारत के 3 केंद्र हैं। फिलहाल भारतीय सेना में 30,000 गोरखा सैनिक शामिल हैं। हर साल भारत गोरखा सैनिकों की पेंशन के तौर पर नेपाल को 3,000 करोड़ रुपए देता है। मगर अब नेपाल ने यह मुद्दा उठाकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। नेपाल गोरखा सैनिकों के लिए ज्यादा पैसे की मांग करने का संकेत दे रहा है, पर नेपाल की इस चाल के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की बू भी आ रही है। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव में चीन की बड़ी कमजोरी सामने आई थी। चीन की पीएलए के सैनिक पहाड़ की दुर्गम चोटियों और ढलान युक्त रास्तों में युद्ध लड़ने के काबिल नहीं है। चीन के सैनिकों को पहाड़ों में युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, जबकि भारत के पास इसके लिए अलग से गोरखा रेजिमेंट मौजूद है। ये वही रेजिमेंट है जिसमें नेपाली गोरखा बड़ी संख्या में मौजूद है। यकीनन चीन भीतर खाने नेपाल के गोरखाओं को अपने साथ जोड़ने की चाल चल रहा है। वह भी नेपाली गोरखाओं के लिए अलग से एक रेजिमेंट तैयार करने की फिराक में है, जिसमें गोरखा और चीनी सैनिकों को मिलाकर चीन की सुरक्षा में तैनात किया जा सके। ऐसा केवल अनुमान लगाया जा रहा है, पर चीन अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए ऐसा कोई भी फैसला ले सकता है। इसे एक प्रकार से भारत को उसी की भाषा में जवाब देने की रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। नेपाल द्वारा दोनों देशों के तनाव के बीच यह मुद्दा उठाना कई आशंकाओं को जन्म देता है। वह जहां खुलकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, वहीं चीन के हाथों की कठपुतली भी बन गया है। यकीनन चीन ने भी पीएलए में गोरखा सैनिकों की भर्ती के लिए नेपाल से बात जरूर की होगी, साथ ही उसे भारत के खिलाफ भड़काकर गोरखा सैनिकों का मुद्दा उठाने को प्रेरित किया होगा, क्योंकि चीन अपनी चाल बेहद ही सातिराना तरीके से चलता है। यह एक तरह से भारत की सेना में फूट डालने की रणनीति भी हो सकती है, जिसके बाद भारत की सरकार बेहद सतर्क हो गई है। पर असली खलबली तो कठमुल्लाओं के मुल्क पाकिस्तान में मची है, वह भी उस एयरलाइंस को लेकर जिसके टेक ऑफ करने की तो गारंटी है, मगर वह जमीन तक पहुंच पाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। फर्जी पायलट मिलने के बाद यहां एक और बड़ा कांड हो गया है। कांड भी ऐसा कि पीआईए के विमान उड़े या नहीं उड़े, पर इनके तोते जरूर उड़ गए हैं। दरअसल डॉन न्यूज ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान के पायलट्स और केबिन क्रू मेंबर्स ड्यूटी पर आने से कुछ घंटे पहले नशा करते हैं। इनमें कई नशे तो बहुत ही खतरनाक स्तर के हैं। करीब 30% पायलट विमान उड़ाते वक्त स्मोकिंग जैसी गंभीर आदत का शिकार है। साथ ही कई पायलट नशा करके प्लेन उड़ाते हैं। पिछले काफी वक्त से पीआई की घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट में पायलट और कैबिन क्रू के स्मोकिंग करने की खबरें आई थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और फर्जी पायलट के साथ यह मामला भी सुर्खियां बन गया। इससे पूर्व पिछले साल ही कई पायलट्स और क्रू मेंबर को नशा करते हुए भी पकड़ा गया था। खास बात यह है कि इस मुल्ला मुल्क में एयर होस्टेस भी नशे का शिकार है। गौरतलब है कि 2 महीने पहले पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर ने संसद में खुलासा किया था कि देश के 40% पायलटों के पास फर्जी लाइसेंस और डिग्री है।
इसके बाद दुनिया में पाकिस्तान की काफी बदनामी हुई थी। कई इस्लामी देशों के साथ ही यूरोप और अमेरिका ने भी पीआईए और उसके पायलट को बैन कर दिया था, मगर अब पीआईए के नशेड़ी पायलट्स और क्रू मेंबर के खुलासे ने पाक सरकार की नींद उड़ा दी है। पीआईए ने आनन फानन में केबिन क्रू मेंबर पर लगाम लगाने का सख्त फैसला लिया है। पीआईए ने कहा है कि फ्लाइट में सवार होने से पहले सभी पायलट्स और केबिन क्रू का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जरूरी होगा। अब कोई भी केबिन क्रू मेडिकल ऑफिसर की मंजूरी के बिना एयरक्राफ्ट में नहीं चढ़ सकेगा। पीआईए इस कवायद के जरिए अपनी इमेज सुधारने में जुट गई है। साथ ही पाकिस्तान को बदनामी से बचाने के लिए नशेबाज पायलट्स और केबिन क्रू पर लगाम भी कसना चाहती है, और मामला पीआईए के विमानों में धुएं के छल्ले उड़ाने तक ही सीमित नहीं है। यात्रियों का आरोप है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दुनिया की सबसे खटारा एयरलाइंस है। इसके क्रू मेंबर इतने बदतमीज है कि उड़ते विमान में तहमत बिछाकर नमाज पढ़ने लग जाते हैं। वे जब तक यह नौटंकी करते हैं यात्रियों की सांसें गले में अटकी रहती है। साथ ही पायलट के केबिन से बीड़ी का धुआं निकलकर विमान में अपनी स्मेल छोड़ता रहता है। कई बार ऐसा आभास होता है कि पायलट के केबिन में कोई अनहोनी ना हो गई हो। पीआई की एयर होस्टेस में तो कई इतनी पियक्कड़ होती है कि यात्रियों से शालीनतापूर्ण व्यवहार तक करने में सक्षम नहीं होती। आश्चर्य की बात यह है कि सरकार यह एक्शन तब ले रही है जबकि फर्जी पायलट का खुलासा दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, जबकि यह खेल पीआई में वर्षों से चला आ रहा है। पर सवाल यह भी है कि पीआई के 40% पायलट फर्जी हैं और 30% बीड़ीबाज हैं। ऐसे में क्या बाकी 30% स्टाफ के भरोसे पीआई की उड़ाने हो पाएगी? कहने वाले तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान एयरलाइंस ने दुनिया को दिखाने के लिए इन फर्जी बीड़ीबाज पर एक्शन लिया है, अन्यथा पीआई के प्लेन आज भी पुराना स्टाफ ही उड़ा रहा है। यानी इस खटारा लाइंस में कुछ भी नहीं बदला है। इसमें सफर करने वाले किसी भी यात्री की सुरक्षा कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी मुल्लाओं के मुल्क में गारंटी जैसा शब्द होता भी नहीं है। या तो जनता द्वारा चुनी गई बहुमत वाली सरकार के कार्यकाल के पूरा करने की गारंटी नहीं है, न जाने कब उसका फौज के द्वारा तख्तापलट कर दिया जाए। यह उसी सरकार की सरकारी एयरलाइंस कंपनी है, इसलिए हर कोई तहमत की गांठ में इंशाल्लाह का ताबीज बांधे अल्लाह भरोसे घूम रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।